आज हम कांकेर जिले के सुदूर कोयलीबेड़ा मंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिकसोड़ के इस गांव कोतुल में जो गोठान है उसका निरीक्षण करने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आए हैं। ये गोठान का मुख्य द्वार है जहां आज तक के गेट नहीं लगा है। ये देखिए आप, गेट आज तक नहीं लगा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ गौ माता कितने समय रहती होंगी, उनको कैसे रोक के रखा जाता होगा। अब यहाँ पे पानी की जो व्यवस्था है उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं अपने कार्यकर्ता भाई से कहूँगा आए। जब ये गोठान बना आज से लगभग 3-4 साल पहले, तो यहाँ पे बोर खनन हुआ जिसमें आज तक मोटर नहीं लगा है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ अगर गौ माता रहती होंगी तो वो पानी कहाँ से पीती होंगी। और ये अव्यवस्थित पड़ा हुआ गोबर भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। आज हमारे साथ बहुत सारे ग्रामीण इस गौठान में आए हुए हैं, महिला समूह की कार्यकर्ता हैं, हमारे ग्राम के यहाँ के जो उप सरपंच हैं, सचिव हैं, ये सभी हैं। ये देखिए यहाँ के चारे का हाल, चारा है नहीं, थोड़ा बहुत जो था वो भी पूरा जला हुआ आपको दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे चारा रहता है जो कि अभी पूरा जला हुआ है, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपने देखा था जब वहाँ पे बोर ख़राब है तो इस पानी की टंकी में पानी कहाँ से आता होगा। मैं अपने कार्यकर्ता भाई से कहूँगा कि यहाँ ज़रा दिखाएं। पानी की जगह पे सूखे पत्ते आपको नज़र आएंगे और उसके ठीक सामने ये गौ माता को दिए जाने के लिए जो चारा दिया जाता है उसका जो जगह बनाया गया है, ये यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे चारा जब है ही नहीं, जल गया है तो चारा कहाँ से नज़र आएगा। ये हाल है इस कोतुल सिकसोड़ा पंचायत के गोठान का। ये वर्मी कंपोस्ट खाद यहाँ पे बनाया जाता है, यहाँ पे आपको न गोबर दिखेगा, खाली पड़ा हुआ है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पे किस तरह से वर्मी कंपोस्ट खाद बनता होगा और यहाँ के जो महिला बहनें हैं उनको रोज़गार मिला होगा। इस तरह से आप इस गोठान का हालचाल देख चुके होंगे। देखिए हमारे साथ यहाँ पे पूरी महिला स्व सहायता समूह की बहनें हैं, ग्रामीण जन हैं, पंचायत के सचिव हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, प्रत्येक गोठान में 19 लाख खर्च होने का दावा करती है और पूरे छत्तीसगढ़ में 1300 करोड़ रुपया की राशि का जो बंदर बांट और दुरुपयोग इन गोठानों के नाम में किया है, जनता उसको देख रही है, समझ रही है। आप यहाँ देख रहे हैं ना तो चारा है ना पानी है, गौठान की बस यही कहानी है।